हर बार जब हम आपके लिए रेसिपीज़ बनाना शुरू करते हैं ना, तो मैं एक लिस्ट बनाता हूँ कि भाई क्या क्या बनाना है मुझे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं चाहता हूँ कि आप देखें, राइट? आई एम एक्साइटेड टू शो यू। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप एक्साइटेड होते हैं देखने के लिए। तो बेसिकली क्या है, बेसिकली ये है कि ऐसी एक चीज़ बड़े टाइम से मेरी डायरी में लिखी रहती थी और हर बार हम बनाते थे खाना और वो भूल जाते थे, ठीक है, या मौका ही नहीं लगा। वो है कीमा समोसा, और ऑथेंटिक असल कीमा समोसा। माना आपको इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि आपको अब सिर्फ और सिर्फ 9 सेकंड का इंतज़ार करना पड़ेगा उस म्यूज़िक का, उसके उस तरफ, फिर आपको बढ़िया सी कीमे समोसे की रेसिपी मिलने वाली है। म्यूज़िक स्किप मत कीजिएगा। Calling and action. देखिए, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च। ओ, उससे पहले एक ज़रूरी सूचना। नमस्कार, मैं हूँ रणवीर ब्रा, और आज बनाएंगे कीमा समोसा। कीमा समोसा बनाने के लिए आपको चाहिए कीमा। तो ये आधा किलो कीमा है मेरे पास, ठीक है। आधे किलो कीमे में मैंने लिया है 1.5 इंच पीस जिंजर, और बड़ी बड़ी 5 लहसुन की कलियां, और 3 मिर्च, ठीक है। और अब मैं इसको कूट लूँगा। ये लो जी कीमा। कीमे के अंदर अदरक, लहसुन, आधे किलो में सिर्फ 2 चम्मच दही। मसाले में एक ही साबित मसाला जाएगा, वो है बड़ी इलायची, नाम भर की हल्दी, एक हीप्ड टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा धनिया पाउडर, बिल्कुल थोड़ा सा जीरा पाउडर, और लाल मिर्च पाउडर। अब इसके अंदर डाला ये थोड़ा सा घी, 1 टीस्पून, 2 टीस्पून। रणवीर बोल रहा है थोड़ा सा घी, थोड़ा सा घी, सोचिए। ठीक है, डन। ये हो गया 80% काम खत्म फिलिंग का। अब जो है हैवी बॉटम पैन लेना है, हैवी बॉटम पैन, और उसके अंदर ये कीमा जो है वो डाल देना है। अपने आप कीमा जो है वो पानी छोड़ेगा, और नहीं भी छोड़ेगा तो हमने इसमें एक जुगाड़ डाला हुआ है जिसका नाम है दही। दही पानी छुड़वा देगी। कीमा अगर लेना है तो अच्छा कीमा जो है वो फिर रान का होता है, मतलब हाइंड लेग का जो कीमा है वो लें, वो अच्छा कीमा होता है। अच्छा कीमा इसलिए होता है कि कीमे को जो इतना भुना जाता है तो भुनने पे उसका जायका आना चाहिए, और हाइंड लेग का जो जायका है वो भुनने से आता है। अब आप ये सोच रहे होंगे मैंने शेफ कोट क्यों पहना है। तो मैंने शेफ कोट इसलिए पहना है क्योंकि कमीज लाना भूल गए आज हम, और बाकी आप सब लोग कहते रणवीर कभी कभी शेफ कोट में भी बना लिया करिए। हमने कहा चलिए शेफ कोट में भी बना लेते हैं। नाइस। ये देखिए कीमा खुल भी गया, पानी भी छोड़ दिया, सारा प्रोग्राम जो है वो सेट हो गया। अब गूंथते हैं जी आटा, और आटा जो है थोड़ा डिफरेंट गूंथ रहा हूँ मैं। कीमे समोसे का जो आटा है थोड़ा डिफरेंट गूंथ रहा हूँ, थोड़ा नहीं काफ़ी डिफरेंट है, और वो इसलिए कि नॉनवेज अगर फिलिंग है तो नॉनवेज आटा भी हो सकता है ना, तो नॉनवेज आटा गूंथेंगे आज हम। नमक, मैदा, और उसमें घी का मोइन डाला हमने। अब इसको बनाना है नॉन वेज डो। इसमें डालना है अंडा, चाहे तो साबुत डाल सकते हैं, चाहे सिर्फ अंडे की सफ़ेदी डाल सकते हैं। पुराने जो समोसे बनते थे उसमें अंडा पड़ता था डो में, क्योंकि अंडे की रिचनेस, रज़ाइत, और अंडे की बॉडी जो है उसका इस्तेमाल होता था। भुनाई चलती रहनी चाहिए भाई और बहनों, भुनाई नहीं रुकनी चाहिए। अब इस डो में अजवाइन वगैरह कुछ नहीं डालनी है, अजवाइन के साथ इसका कोई मेल नहीं है। जब आप वेज समोसा बनाते हैं तो उसमें अजवाइन पड़ती है, नॉन वेज समोसे में अजवाइन का कोई मेल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ नमक डाला है, अंडा डाला है, घी डाला है, बस। अभी जो हम लोगों ने आटा गूंधा है समोसे का, इसको 15 मिनट के लिए कम से कम छोड़ना है, गीले कपड़े से या गीले मलमल से ढक के, और भुनाई रुकनी नहीं चाहिए भाई और बहनों। जब तक गोश्त जो है बिल्कुल चिपकने ना लग जाए तब तक भूनते रहना है इसको। समोसे की हिस्ट्री तो मैंने बताई हुई ना, पहले बताइए ना समोसे की हिस्ट्री, झटपट बता देते हैं, तब तक मैं हाथ होता हूँ पता लग जाएगी।
अगर वैसे मैं कितने किस्म के समोसे बना चुका सबको पता है ना, नीचे लिखिए कि रणवीर आप इतने किस्म के समोसे बना चुके हैं कमेंट्स में। सबको होमवर्क देता ना मैं। देखिए समोसा की मैं आपको हिस्ट्री बता चुका हूँ कि समोसा जो है वो मुग़ल नहीं आए लाए थे, मुग़लों से पहले आया था, हिंदू कुश माउंटेंस के ज़रिए आया था और हिंदुस्तान में 750 साल के ऊपर से समोसा है और रहा है। और समोसा जो है वो पर्शियन सम्बोसेक सम्बोसाग के नाम से जाना जाता है और आते आते समसा सम्बोसा समोसा बन गया वो। तीसरी चीज़ जो आलू का समोसा है वो बहुत बहुत लेट की इजाद है, बिकॉज आलू ही हिंदुस्तान में बहुत लेट आया, तो आलू का समोसा ओरिजिनल समोसा हो ही नहीं सकता। गोश्त का समोसा ही ओरिजिनल समोसा है, मीट समोसा ओरिजिनल समोसा है। ये तो हो गई जो बात आपको पता है। अब एक इंटरेस्टिंग बात करते हैं समोसे का जो ओरिजिनल फॉर्म है मेरे हिसाब से लुकमी की। अभी लुकमी जो है वो लुकमा मतलब पर्शियन में होता है निवाला, एक कौर, एक छोटा सा बाइट। तो लुकमी जो है वो हैदराबाद में अभी भी कहीं कहीं मिलती है जिसके अंदर कीमा भरा होता है और ये कहा जाता है कि वो ओरिजिनल समोसा है, क्योंकि समोसा जो है वो धीरे 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 हम तक पहुंचा, कजाकिस्तान में रुका, हिंदू कुश माउंटेन में जगह जगह रुका, लोगों ने अपनी अपनी फिलिंग डाली, अपने अपने एडिशंस किए, धीरे धीरे वो साइज़ में बड़ा हो गया, हम तक आते आते समोसे का स्वरूप बदल गया। लेकिन लुकमी जो है वो डायरेक्टली निज़ाम्स के घर पर यजदान से आई थी और वो ओरिजिनल समोसा था, वो साइज़, वो शेप, उसके अंदर की फिलिंग। तो अगर आप ओरिजिनल समोसे से मिलना चाहते हैं तो लुकमी से मिलिए। और दुख की बात यह है कि आजकल हम समोसे की बात सब करते हैं लेकिन लुकमी की बात बहुत कम की जाती है। बट लुकमी इज़ द एक्चुअल अनसंग हीरो, यूँ कह लीजिए कि समोसे को अगर उसके प्रिस्टीन फॉर्म में आपको मिलना है तो लुकमी से मिल लीजिए। अब जो है ये अपनी बड़ी इलायची को निकालने का वक्त आ गया है, इसने अपना सारा काम कर दिया है, अपना सारा फ्लेवर दे दिया है और अब इसके अंदर ये तमाम ताज़ी चीज़ें डालने का वक्त भी आ गया है। आ लो आया नज़ारा भाई, ये तो मैं गारंटी देता हूँ कि दूर दूर तक, यहाँ पर तो ये एकदम धुएँ की और मीटीनेस की और मिंट की खुशबू आ रही है। वो स्मोक की डेप्थ है, लैम्ब की डेप्थ है और फ्रेशनेस है मिंट की और बॉडी है अनियन की, स्वीटनेस है अनियन की। होए होए, अगली बार इसके अंदर ना मैं एकदम इतना सा गुड़ डालूँ, बिल्कुल थोड़ा सा गुड़ के पता भी ना चले। हाँ, गोश्त का और गुड़ का भी बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन, सब बता दिया मैंने। वाह वाह भाई वाह। देखिए डो भी तैयार है, हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा घी लगा के और इसको वापस थोड़ा बांध लेते हैं बस। ये जो समोसा है ना, इसको आप पट्टी की तरह भी बना सकते हैं और आप रेगुलर पट्टी की तरह, मतलब पट्टी के साथ भी बना सकते हैं और आप रेगुलर समोसे की तरह जैसे मैं बेल के बना रहा हूँ वैसे भी बना सकते हैं। इस समोसे के डो में और जो वेज समोसे का डो है उसमें फ़र्क क्या है? इस समोसे के डो में थोड़ा लचीलापन ज़्यादा है, देखिए क्यों, क्योंकि इसमें अंडा गया हुआ है, ठीक है, और उस लचीलेपन का ही इस्तेमाल करना है हमको इसको ऐसे लंबा लंबा खींचने के लिए। ये देखिए, अच्छा, लेकिन अगर आप ईस्ट अफ्रीका में जाएं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका इसके बोलते हैं ना, इथियोपिया, सोमाली लैंड जिसको बोलते हैं, वहाँ पर सम्बूसा बड़ा फेमस है और वो सम्बूसा जो है वो रमज़ान में शादियों में मिलता है और उस सम्बूसे का क्रेडिट हम ले सकते हैं क्योंकि जब हमारे ट्रेड के ज़रिए या हमारे माइग्रेंट लेबर के ज़रिए लोग वहाँ गए तो उन्होंने वहाँ पर जो समोसा बनाया वो अफ्रीका में जाके सम्बूसा बन गया, यानी कि पर्जिया से आया हमारे पास और हमसे गया अफ्रीका और नाम हो गया सम्बूसा। अब देखिए वेज और नॉनवेज समोसे में एक और जो मेजर डिफरेंस है कि नॉनवेज समोसा जो होता है वो बैठता है, वो मतलब गोल टाइप में होता है, उसके नीचे पालथी मार के बैठता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना गणपति बैठते हैं, अगर आपने नहीं देखा तो मेरे वीडियो में देख लीजिएगा। नॉनवेज समोसा जो है वो चपटा होता है, लाइट होता है, थोड़ा छोटा होता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा नॉनवेज एक साथ खा नहीं सकते ना, कितना गोश्त खाएंगे आप। ये देखिए फ्लैट है ना ये, बस। अब क्या है, अगर ये पूरा वैसे वाला होता तो इसमें बहुत ज़्यादा फिलिंग डालनी पड़ती, उतना ज़्यादा गोश्त जो है कोई खाता नहीं है, बहुत ज़्यादा, इट वुड हैव बीन टू मच ऑफ अ फ्लेवर एक्सप्लोजन टू मैनेज। हाँ, आपको मैं दिखा देता हूँ कि अगर आपको पट्टी है तो उससे समोसा कैसे बनाना है वो भी दिखा देता हूँ। मैं लगा हुआ हूँ तो सारे काम ख़त्म करके जाऊँ ना।
तो बेसिकली थोड़ा आपको इमेजिन करना पड़ेगा, वो जो पट्टी होती है स्प्रिंग रोल की वो ये साइज़ की होती है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पट्टी के अंत में लिजाम या अंडा लगाना है ऐसे, और उसके बाद बीच में डालनी है फिलिंग। जैसे मान लीजिए ये फिलिंग है, आपने यूँ फिलिंग डाली और उसके बाद पट्टी को आपने ऐसे जोड़ते जाना है, तिकोन बनाते जाना है। ये देखिए, ठीक है। तो वो जो पट्टी समोसा होता है, जो ज़्यादातर कीमे समोसे में पट्टी वाला मिलता है, वो ये होता है। देखिए अब ये जो रोलिंग हो रही है समोसे की, तो ये तो आपको रणवीर ने बता दिया कि इसलिए समोसा जो है फ्लैट होता है। मेन कारण जो है मीट समोसे के फ्लैट होने का ये भी है कि मीट समोसा जो है वो समोसे का ओरिजिनल फॉर्म है, और अगर आप ईरान जाएंगे वहाँ पर फ्लैट समोसे हैं आज भी, सम्बुसाक सम्बुसेक वो फ्लैट हैं। और जो वेजिटेरियन वर्जन है वो हमारा है, हमने उसका पेट जो है थोड़ा बड़ा कर दिया। जो वेजिटेरियंस या वेजिटेरियन लोगों ने उसको अपने हिसाब से ढाल लिया, लेकिन नॉनवेज लीनिएज में उसने अपनी शेप बना के रखी। ये भी बहुत बड़ा फ़र्क है कि ये नॉनवेज समोसे हमेशा फ्लैट के होते हैं। देखिए आप चाहें तो अंडे की क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं, अगर आपको वो तेल से निकलते हुए झाग को देख के डर लग रहा हो गया, अरे यार अगर अंडा डालेंगे डो में तो तेल में इतना झाग निकलेगा, तो डरिए मत, अंडे की क्वांटिटी कम कर लीजिए या फिर अंडा मत डालिए, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और तेल ख़राब नहीं है, दोबारा यूज़ हो जाएगा वो। फैंटास्टिक, मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया। मतलब ये वो डिश है जो डायरी में लिखी रह गई, लेकिन जब बनी ना तो बम पटाखा बन गई। मतलब अगर आप नहीं बनाएंगे ना तो आपको पता ही नहीं आप क्या मिस कर रहे हैं। और अगर वो सब्सक्राइब करके नीचे वाली घंटी नहीं दबाएंगे तो भी आपको पता ही नहीं चलेगा आपने क्या मिस कर दिया। ओहो, घर तक लेके जाओगी क्या? चलो चलो फोटो खींचो।